परमेश्वर ने आपको फालतू में अपने पास नहीं बुलाया। आपके हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है, और वो प्लान इतना बड़ा है, जब तक आप इस वचन को खाएंगे नहीं और इस पे मेडिटेट नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं आ सकता। परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य ऐसे बीज के समान है, गेहूं के दाने के समान है, जब तक वो जमीन के नीचे नहीं चला जाता, अकेला नहीं रहता, मर नहीं जाता, वो फलता नहीं। आप बीज को खुले में रख देंगे, वो फूटेगा? हां, उसका अंकुर, उसका सीड फूटेगा क्या? आप उसको मिट्टी के नीचे दबाएंगे, उसको अंधेरे में रखेंगे, उसको अकेला रखेंगे, वो फूटेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, इसहाक शाम के टाइम रोज कहां जाता था? ध्यान करने के लिए। कहां पे? मैदान में, अकेला। क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप काम नहीं करता आपके लाइफ में, आपको इस पे मनन करके इसको जीवित करना पड़ता है। उसे मालूम था वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं, और कौन सी वाली वाइफ? जो खुदा ने भेजी। अब्राहम का नौकर कहता था, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ है तो ऐसी लड़की आए मेरे मालिक के बच्चे की पत्नी बनने के लिए, जो आके ये कहे मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और ये पॉसिबल नहीं था कि एक लड़की आके बोले मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी, ऊंट लीटर्स के हिसाब से पानी पीते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसी लड़की आई और उसको मालूम हो गया ये वही लड़की है जिसको इसहाक की पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने चुना। और जब उसकी पत्नी हो गई तो 20 साल उनके संतान नहीं हुई। क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं था उनकी मसीह जिंदगी के ऊपर, परमेश्वर की प्रोफेसी के ऊपर, जो परमेश्वर ने औरत भेजी थी, क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं था उसके ऊपर? क्या शैतान उसको भरमाता नहीं होगा? क्या शैतान उसको बोलता नहीं होगा तेरे पिता के नौकर को गलती लग गई? कोई परमेश्वर परमेश्वर नहीं है भाई, ये ऐसे ही होता है सब। अगर होता तो तेरे बेबी हो जाना था कब से, देख नॉन बिलीवर्स को हो रहे, जो यहोवा को नहीं मानते उनके हो रहे। चैलेंजेस शैतान आपके दिल में डालते हैं, आपके दिमाग में लड़ते हैं, और आपको मालूम है परमेश्वर है। और अगर आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है या अपनी लाइफ में प्रूफ करना है, आपको वचन पर ध्यान करना होगा। इसलिए वो शाम के टाइम जाता था रोज, क्योंकि शैतान उसे तंग करता था। वो लाखों करोड़ों का मालिक था, इतना बड़ा था वो कि बाइबल कहती है अब्राहम उसका पिता, उसको राजा ने बोला था हमारे एरिया से बाहर निकल जा, तू हमसे ज्यादा अमीर है। एक अमीर बाप का बेटा जिसको सारी प्रॉपर्टी उसकी थी और उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, और शैतान बोलता था कि ये आशीष किसके लिए? तेरे नौकरों के लिए। और उसको मालूम था इतना बड़ा चैलेंज अगर मेरी लाइफ से मैंने दूर करना, तो शाम के टाइम लिखा वो मैदान में ध्यान करने के लिए जाता था। यहोवा धर्मी का वंश बचाता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। कोई मायने नहीं करता शैतान मुझे क्या कह रहे, कोई मायने नहीं करता वैद्य ने मुझे क्या कहा, कोई मायने नहीं करता डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। अगर मेरी वाइफ के 20 साल बेबी नहीं हुआ, 19 साल 18 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, कोई मायने नहीं करता, मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी अपने नाती और पोतों को देखने पाएगा। इसका मतलब नाते पोती तभी होंगे अगर बच्चे होंगे तो वो अपने मन को इस तरह से वचन के साथ बात करता होगा रोज। और जब आप वचन से बात करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। अगर उसमें कमी है वो दूर होना शुरू होती है, अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है वो खत्म होना शुरू होती है। क्योंकि आप जब मनन में चले जाते हैं, वो वचन जो आपके सामने बैठे वो जीवित नहीं है जब तक आप उस वचन को लेके खाए ना, उसको पिए ना, उसको खाना ना शुरू करें, उस पर ध्यान लगाना ना शुरू करें। आमीन।